नमस्कार दोस्तों, रोशन मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से हर मनुष्य माता के गर्भ में 9 महीने रहता है, उसके बाद उसे नया जीवन मिलता है, ठीक इसी तरह मृत्यु आने से 9 महीने पहले ही कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं, जो इस बात का संकेत देती है कि आत्मा कह रही है, अब बस बहुत हो चुका इस शरीर का साथ, अब शरीर को त्यागने का समय आ चुका है। लेकिन यह संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन पर ध्यान ही नहीं देते, और जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तो पता चलता है कि अब तो देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह गए हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होने लगती है। गरुण पुराण, समुद्र शास्त्र, कापालिक संहिता तथा पराविज्ञान आदि के अनुसार यह संकेत इंसान को 9 महीने पहले से मिलने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ में 10 महीने तक रहा हो तो उसे 10 महीने पहले, और कोई 7 महीने रहा हो तो उसे 7 महीने पहले से मृत्यु के संकेत मिलने लग जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या हो सकते हैं वे संकेत जो बताते हैं कि मृत्यु अब करीब है। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। नंबर 1, मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला मूलाधार चक्र, दूसरा लिंग चक्र, तीसरा नाभि चक्र, चौथा हृदय चक्र, पांचवा कंठ चक्र, छठा आज्ञा चक्र और 7वां चक्र है सहस्रसार चक्र। जब मनुष्य प्राण त्याग करता है तो इन्हीं चक्रों में से किसी एक चक्र से आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। योगी, मुनि और पुराणों द्वारा बताया गया है कि जब मृत्यु का समय करीब आने लगता है तो सबसे पहले नाभि चक्र में गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। नाभि चक्र टूटने लगता है। नाभि शरीर का केंद्र स्थान होता है, जहां से जन्म काल में शरीर की रचना शुरू होती है। इसी स्थान से प्राण शरीर से अलग होना शुरू करता है। इसलिए मौत के करीब आने की पहली आहट को नाभि चक्र के पास महसूस किया जा सकता है। नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता है, इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक चलती है, और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मृत्यु जब करीब आ रही होती है तो समय बीतने के साथ साथ व्यक्ति अपनी नाक की नोक देखने में असमर्थ हो जाता है। नंबर 2, निधन से कुछ दिनों पहले से व्यक्ति को आसमान में मौजूद चांद एवं अन्य ग्रहादि खंडित लगने लगते हैं। शख्स को लगता है कि चांद बीच में से 2 भागों में बटा हुआ है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर 3, जिस तरह घर में नए सदस्य के आने की खबर मिलने पर हम मनुष्य उत्साहित रहते हैं और उनके स्वागत की तैयारी करते हैं, कुछ इसी तरह जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़कर परलोक की यात्रा पर जाने वाला होता है तो परलोक गए उनके पूर्वज और आत्माएं उत्साहित रहते हैं और अपनी दुनिया में नए सदस्य के आने की खुशी में रहते हैं। इसलिए मृत्यु के करीब पहुंच चुके व्यक्ति को अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। नंबर 4, आम तौर पर जब हम और आप अपने कान पर हाथ रखते हैं तो कुछ आवाज सुनाई देती रहती है, किंतु जिस व्यक्ति का अंत निकट होता है उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। नंबर 5, मरने वाले व्यक्ति को हर समय ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई अनजान चेहरा मौजूद है। नंबर 6, पराविज्ञान के अनुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर में से अजीब सी गंध भी आने लगती है, जिसे मृत्यु गंध कहा जाता है, जिसका एहसास उसी व्यक्ति को हो सकता है। नंबर 7, दर्पण में चेहरा देखने पर मृत्यु के करीब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह किसी और का चेहरा देख रहा है, उसे अपना चेहरा बहुत स्पष्ट नहीं दिखता।
ऐसा जब हो तो यह माना जाता है कि व्यक्ति का निधन 24 घंटे के भीतर हो सकता है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा।